हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को चार ऐसे भारतीय टीम के प्लेयर बताने वाला हूं जो कि टेस्ट मैच को भी दोस्तों पूरी तरह से आखिरी ओवर में पलट सकते हैं। जी हां, वैसे तो T20 फॉर्मेट में दोस्तों आखिरी ओवर में मैच पलटता है, लेकिन कई बार टेस्ट मैच भी T20 से खतरनाक हो जाता है। और अभी आपको हाल ही में याद होगा कि ऋषभ पंत ने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आखिरी के ओवरों में टीम इंडिया को मैच जिताया था। और दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 क्रिकेट चल रहा हो। और ठीक ऐसा ही टेस्ट मैच कई बार रूप ले लेता है, जहां पर टीम इंडिया को जीतने के लिए कुछ ऐसे बल्लेबाज चाहिए होते हैं जो कि आखिरी के कुछ ओवरों में मैच पलट सके। और मैं आपको दोस्तों चार ऐसे भारतीय बल्लेबाज बताने वाला हूं जो कि अगर आखिरी ओवर में रहते हैं तो वो दोस्तों 25 से 30 रन भी आखिरी ओवर में चाहिए हो तो बना करके और टीम इंडिया को एक तरफा मैच जिता सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल दोस्तों वैसे तो इन दिनों ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब केएल राहुल को 5th और 6th नंबर पर खेलना पसंद है। और तो और मैं आपको बता दूं, ऋषभ पंत से अगर कीपरिंग जाती है तो केएल राहुल कीपरिंग करेंगे और वो दोस्तों एक बार फिर से 5th या फिर 6th नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, केएल राहुल के अंदर वो क्षमता है कि ये एक ही ओवर में 25 से 30 रन बेहद ही आसानी से बना सकते हैं और ये कारनामा ये कर चुके हैं। इन्होंने दोस्तों IPL में सिर्फ 14 गेंदों पर ही 50 रन रखी है। इससे पता चलता है कि ये किस तरह की तेज तर्रार बैट्समैन है। और अगर केएल राहुल को मौका मिलता है तो ये धीरे भी खेलते हैं और ये एक ही ओवर में मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। और इनके अंदर पूरी वो क्षमता है कि ये एक ओवर में कम से कम 25 और 30 रन ठोक सकते हैं। अगर बात करें हम दूसरे नंबर के प्लेयर की तो यस गाइस, दूसरे नंबर पर भी टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा भी इन दिनों बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और हमने देखा है कि एक तरफ से जहां विकेट गिरते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा अकेले टीम को संभालने का प्रयास करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि रोहित शर्मा भी वो प्लेयर हैं जो कि अकेले एक ओवर में मैच पलटने की क्षमता रखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। रोहित शर्मा ने ऐसे एक या दो बार नहीं बल्कि T20 में टीम इंडिया को कई बार ये कारनामा करके जिताया है। और मुंबई इंडियंस की तरफ से तो उन्होंने ना जाने कई बार इस तरह के मैच को जिताया है एक ही ओवर में। अगर दोस्तों मैं ये कहूँ कि इन दिनों जो रोहित शर्मा हैं वो अगर एक ही ओवर में उनको मैच पलटना हो तो वो ये कारनामा कर सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। रोहित शर्मा भी दोस्तों इतने सक्षम हैं कि वो एक ओवर में 20 से 25 रन बहुत आराम से बना सकते हैं और जरूरत पड़े तो 30 रन भी ठोक सकते हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से काफ़ी अच्छा पुल शॉट निकलता है, इस वजह से रोहित शर्मा की यहाँ पर तारीफ करना बनता है। अगर हम बात करें 3rd नंबर की तो आप गैस करिए 3rd नंबर पर कौन सा प्लेयर होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ 3rd नंबर पर है इस लिस्ट में ऋषभ पंत। दोस्तों, ऋषभ पंत जिस तरह के तेज तर्रार बैट्समैन हैं उनकी बैटिंग पर और उनकी काबिलियत पर हमें 1% भी शक नहीं है। हाँ, हमने देखा है कि ऋषभ पंत टेस्ट मैच में भी T20 की तरह खेलते हैं और आते ही वो अपने बल्ले से बहुत तेज खेलने का प्रयास करते हैं और कई बार ये इनका प्रयास इन पर भारी भी पड़ जाता है और वो बहुत जल्द आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत को एक ही ओवर में मैच पलटना हो तो दोस्तों वो भी ये कारनामा कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से ऋषभ पंत भी एक ओवर में 25 से 30 रन ठोक सकते हैं और वो उसके पूरी तरह से काबिल हैं। और इन दिनों तो हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली कैपिटल की कप्तानी भी कर रहे हैं कप्तान साहब, तो साफ है ऋषभ पंत भी ये कारनामा कर सकते हैं। आपको इनकी काबिलियत पर शक तो नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें 4th नंबर के प्लेयर की तो जी हाँ, 4th नंबर पर है टीम इंडिया के घातक ऑलराउंडर और पूरी दुनिया के सबसे तेज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। दोस्तों, बेन स्टॉक के बाद अगर किसी ऑलराउंडर को सबसे अच्छा माना जाता है तो वो है रविंद्र जडेजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि IPL में इन्होंने जहां एक ओवर में 36 रन ही ठोके जा सकते हैं तो इन्होंने 37 रन ठोक दिया था। और दोस्तों, रविंद्र जडेजा वो प्लेयर हैं जो कि कभी भी मैच को पलट सकते हैं और इनके अंदर भी ये दमखम है और खास करके पिछले कुछ महीनों से इनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा निखर गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा में वो दमखम है कि आखिरी के ओवर में वो भी 25 से 30 रन बहुत आराम से ठोक सकते हैं और टीम इंडिया को हारा हुआ मैच भी जिता सकते हैं टेस्ट मैच में भी। तो क्या आपको लगता है कि ये चार खिलाड़ी ये कारनामा करने में सक्षम है या कोई और ऐसा खिलाड़ी है जो कि ये कारनामा कर सकता है आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।